नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश आनंद हूं। मेरे साथ आगे आप आगे का एजेंडा देखने वाले हैं। भीषण बारिश ने गुजरात का हाल बेहाल कर दिया है। जहां भी नजरें जा रही हैं, पानी ही पानी। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर सैलाबी मंजर से डूबा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिख रहा है। भारी बारिश से डैम पानी से लबालब हैं, नदियां उफान पर हैं, मुश्किल में है लोगों की जान। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो गुजरात के अलग अलग शहरों की कहानी बयां करती है, लेकिन इन तस्वीरों में एक ही चीज नजर आ रही है, वो है जल प्रहार, जिसने गुजरात में हाहाकार मचा दिया। गुजरात के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात गुजरात के विभिन्न शहरों में बने हुए हैं, किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। अहमदाबाद से लेकर राजकोट, केवड़िया, वडोदरा, नाडियाड, हर जगह की जो तस्वीर है वहां पर सड़कों पर आप देख रहे हैं पानी का कब्जा हो चुका है। कच्छ से लेकर सूरत और गांधीनगर की एक ही तस्वीर, तो हर तरफ पानी ही पानी। और गुजरात में भारी बारिश से हालात खराब हो चले हैं। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको यह भी बता दें कि गुजरात में आज दरअसल सभी प्राइमरी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट भी है। ऐसे में हालात और ज्यादा अगर बिगड़े तो दिक्कत ना हो, इसलिए एहतियातन प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। तो प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चे घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगता है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस जा रहा है, घर हो, दुकान हो, बाजार हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हर तरफ पानी ही पानी। ये आप देख रहे हैं पानी का कितना तेज प्रवाह नजर आ रहा है। गुजरात में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। राजकोट में तो अजी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी का पानी शहर में घुस गया। यहां महादेव का मंदिर भी पानी में डूब गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें वही की हैं, किस तरीके से रौद्र रूप इस नदी का देखने को मिल रहा है। बहुत ही पानी का तेज बहाव, और इस वजह से जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, बस्तियां हैं, उन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ये पास में ही एक मंदिर आप देख रहे हैं जो कि उसका एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। अजी नदी बहती है राजकोट में, और वहां आप देख रहे हैं कितना अधिक वाटर लेवल, और उसकी वजह से न सिर्फ पानी का ये तेज प्रवाह दिख रहा है बल्कि आसपास के लोगों के घरों में भी, जो तराई के इलाकों में लोग रहते हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया। ये कोई घाट है जहां बगल में आप देख रहे थे एक मंदिर है, मंदिर भी लगभग जलमग्न। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। राजकोट में भारी बारिश के कारण यहाँ पे रामनाथ महादेव जो मंदिर है वो पानी में अभी दिख रहा है कि पानी उसके ऊपर से पसार हो रहा है। भारी तादाद में जो अलग अलग गांव है, आजी डैम ओवरफ्लो हुआ है, और अलग अलग गांव में जो भारी बारिश के कारण यहां पे दिख रहा है कि जो रामनाथ महादेव मंदिर है वो पानी में गरकाव हो गया है। यहां पे जो भारी तादाद में इस तरफ अलग अलग सोसाइटियां है वहां पे भी पानी घुस गया है। यहाँ पे जो अलग अलग सोसाइटी में जो लोग बसते हैं वहाँ से दूर किए गए हैं। महानगर पालिका, राजकोट महानगर पालिका और राजकोट पुलिस के तहत यहाँ से दूर जे यहाँ पे लोग हमारे साथ है। भैया, क्या परिस्थिति है यहाँ पे, कितनी बारिश, और ये महादेव रामनाथ महादेव से उसके ऊपर से पानी बह रहा है और जलाभिषेक किया हुआ है रामनाथ महादेव ने। आज एक कुदरती हिंदी में आज एक कुदरती जलाभिषेक महादेव ऊपर थाई छे, रामनाथ दादा नी ऊपर। आज हमारा घरनी अंदर बधाई मां गोठण गोठण पानी आवी गया छे रामनाथ परानी अंदर, बरोबर। क्या हो, क्या परिस्थिति है भैया, बोलिए क्या परिस्थिति है अभी, क्या परिस्थिति? भारी तादाद में बारिश हुआ है यहाँ पे, जो सोसाइटी में
हाँ, क्या परिस्थिति? यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है और बारिश लगभग 48 घंटे से 22 से 25 इंच बारिश हो चुकी है और यहाँ सबके घर में पानी भी चला गया है और 48 घंटे से 22 इंच लिख रहे हैं पानी और बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है यहाँ पे। अभी तक भारी बारिश के कारण यहाँ पे दिख रहा है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे अलग अलग जो सोसाइटियाँ है वहाँ पे भी पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी है। भारी तादाद में जो बारिश हुई है राजकोट और पूरे सौराष्ट्र में, भारी बारिश के कारण ये जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। ये सोसाइटी में से बाहर पानी निकल रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के अलग अलग जो सोसाइटियाँ है, अलग अलग शहरिया है, वहाँ पे पानी घुस गया है। भारी तादाद में अभी पानी बह रहा है और राजकोट में अभी तक जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल कॉलेज बंद है और सब धंधा रोजगार व्यापार अभी बंद दिख रहा है। कैमरा पर्सन शुभाशियानी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज राजकोट। राजकोट ही नहीं, पूरे सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों के सामने हैं। गुजरात के 13 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 13 जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कच्छ से लेकर सुरेंद्रनगर, राजकोट और जामनगर में रेड अलर्ट है। इसके अलावा मोरबी, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, यहां भी भारी बारिश की चेतावनी है। दाहोद से लेकर पंचमहल, तोपी, नवसारी और वलसाड़ से भी हमें सूचना मिल रही है कि यहां के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब आपको राजकोट शहर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजकोट शहर में बारिश के बाद जो हालात बने वो यकीनन डराने वाले हैं। जिस तरह की स्थिति है आप देखिए जरा, राजकोट शहर पूरी तरीके से डूब चुका है। हाईवे पर पानी, सड़क पर पानी, बाजार में पानी, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई हैं, लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये आप देखिए सड़कों का क्या हाल है, बहुत अधिक पानी यहां पर, और ऐसे में जो लोग इससे गुजरने की कोशिश करते हैं वाहन के जरिए, उनकी गाड़ियां कैसे खराब हो जाती हैं वो भी आप देख सकते हैं। जहां तहां लोगों की कारें फंसी हुई हैं, इनमें से कुछ लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं पानी अंदर घुसने की वजह से। एक एम्बुलेंस भी आप देख रहे थे कैसे फंस गई वहां पर। ये सड़क है जहां पर गाड़ियां चलती थी, लोग गुजरते थे, वहां पर हर तरफ अब पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी के बीच ये शहर बसा दिया गया हो। ये देख रहे हैं आप, एक एम्बुलेंस भी खराब हो गई है बीच सड़क पर रुकी हुई, और आसपास लोग कुछ पैदल भी गुजरने की कोशिश में, जो लोग अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहे थे, स्कूटी, बाइक या फिर कार लेकर, उनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं। दृश्य है, कुछ भी कहने के लायक नहीं है। जो प्रशासन है, जो तंत्र है, वो तंत्र की कामगिरी के लिए सीधा ये सवाल है कि यहाँ का जो लोग है, यहाँ के जो रईस है, वो भी टैक्स भर रहे हैं मगर कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम ये कहना चाहेंगे एबीपी के माध्यम से कि तंत्र आए और यहाँ कामगिरी करे और लोगों लोग जो है वो लोग को जो परेशानी हो रही है वो दूर करे। कैमरा पर्सन राज भावसार के साथ जल्पेश पटेल, एबीपी न्यूज डाकोर। तो गुजरात के डाकोर से आपने ये रिपोर्ट देखी, हर जगह इसी तरीके की स्थिति है और वाकई में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये शहर हैं और इनमें से तमाम कई तो ऐसे शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी में जिनकी गिनती होती है, और आप देख रहे हैं वहां पर क्या हाल है। बारिश होती नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी। दरअसल प्राकृतिक आपदाओं से जाहिर तौर पर दिक्कतें होती हैं, लेकिन जल निकासी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी थोड़ी देर में बाहर निकल जाए। राजकोट में हमारे सहयोगी मौजूद हैं पराक्रम जडेजा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजकोट और पूरे सौराष्ट्र में भारी तादाद में बारिश हुई है। यहाँ पे राजकोट में 16 इंच से ज्यादा पिछले 24 कलाक से बारिश हुई है और बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ पे जन्माष्टमी का जो त्योहार जो चल रहा है अभी, जो स्थानिक जो लोग हमारे साथ हैं, हम उससे बात करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि काफी जो रास्ते है पानी में गरकाव हो गए है। क्या परिस्थिति है भैया यहाँ पे राजकोट की, क्या परिस्थितियाँ है? सब जगह पे पानी भरा है, सब जगह पे पानी भरा है, पूरा रामनाथ वगैरह सब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे से आगे। जो कस भारी तादाद में बारिश हुई है और यहाँ पे 3 अंडर ब्रिज है वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो
काफी जनजीवन प्रभावित हुआ है। अन्य जो लोग हमारे साथ हैं, हम उससे बात करेंगे। भाई क्या परिस्थिति है राजकोट की, पूरी बात कीजिए। राजकोट की अभी ऐसी कोई गली बाकी नहीं है कि जहाँ पर अभी पानी नहीं भरा हुआ है। अभी हम रामनाथ महादेव के ऊपर से जाके आ रहे हैं, इतना पानी का बहाव है कि आप बात नहीं सोच सकते कि इतना पानी पूरे राजकोट में है। राजकोट वासियों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि एक दिन में इतनी बारिश होगी। भारी तादाद में बारिश है, या दस मस्ते जो पानी का जो प्रवाह है वहाँ से जो जो अलग अलग कार है वो पसार हो रही है, और यहाँ पे स्कूल कॉलेज सब बंद है। BRTS रूट जो सिटी बस है वो भी बंद कर दी गई है। 3 ब्रिज है वो भी बंद कर दिए गए हैं महानगर पालिका के तहत। पिछले 24 घंटे से काफ़ी बारिश हुई है, और काफ़ी इलाकों पे जो भारी तादाद में बारिश की जो अभी जो असर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कैमरा पर्सन शुभाषयानी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, ABP न्यूज राजकोट। तो रेड अलर्ट जिन जिलों में है वहां सबसे ज्यादा चिंता है, लेकिन कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है बारिश का। यानी गुजरात के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 और भी ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर गुजरात के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत भारी गुजरने वाले हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। शहरों का भी बुरा हाल है बारिश की वजह से, जहां तहां जल जमाव, और ऐसे में लोगों की जो जिंदगी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी खासतौर पर, वो पूरी तरीके से ठप है। राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं, लोगों से कहा गया है कि आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, और खासतौर पर जो तराई वाले इलाकों में रहते हैं यानी नदी के आसपास, उन्हें यह कहा गया है कि आप सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर जाएं अगर वहां पर हालात और ज्यादा खराब होते हैं। अब आपको हम सूरत की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जरा, बारिश के बाद शहर में पानी भर गया। जलभराव का ये एरियल व्यू आपके सामने है, आसमान से जो तस्वीरें ली गई हैं। जलभराव से सड़कें सुनसान पड़ी हुई नजर आएंगी आपको, गाड़ियां डूबी हुई, लोगों की जो जिंदगी है उस पर पूरी तरीके से ब्रेक। ये आप देख सकते हैं, शहर में हर तरफ पानी ही पानी, लोगों के घर आप देखिए कैसे डूब गए हैं, सड़कों पर पानी है। जो सामने एक मैदान नजर आ रहा है आसमान से लिए गए इस वीडियो में, उसमें भी आप देख पा रहे थे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ, यानी ऐसा लग रहा है कि मानो वो कोई तालाब हो। हम आज गुजरात के सुप्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर में है। अगर आपके पास यहाँ डाकोर के दर्शन करने आना है, तो आपके पास अगर जो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर हो, तो ही आप यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि ये जो दृश्य दिखा रहे हैं राजबावसार, ये दृश्य है सुप्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर के। यहाँ से निकलने के लिए यानी या आने के लिए आपकी कोई गाड़ी, महंगे से महंगी गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ किसान का ट्रैक्टर चलेगा। ये देखिए क्या हालत है डाकोर की। जो डाकोर है उसमें जो पानी है वो पानी ने तहलका मचाया है। कल से जो बारिश शुरू हुई थी, सुबह बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुई, मगर ये पानी का निकाल अभी भी नहीं हुआ। 12 घंटे से बारिश रुकी हुई है, मगर यहाँ का प्रशासन है वो प्रशासन ने कोई कामगिरी नहीं की। और ये देखिए, ये जगह है, ये पार्किंग है, ये पार्किंग में भी कितना पानी भरा हुआ है। ये दुकानें हैं, दुकानें अभी बंद है, धंधा रोजगार है वो रोजगार भी ठप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पानी घुसा हुआ है, आधे आधे मकान पानी में है। इस तरह की यहाँ जो परिस्थिति हुई है वो सब कुछ प्रशासन के कारण हुई है, क्योंकि प्रशासन ने जो कामगिरी नहीं की इसके लिए ये पानी है, ये पानी सब यहाँ दिख रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ जो पानी के लिए, जो ये बारिश का पानी है, नहीं कि कोई नदी का पानी, मगर यहाँ नदी यानी बड़ी बड़ी नदी में जो पानी जाता है वैसा दृश्य यहाँ यहाँ दिख रहा है। ये देखिए, ये जगह देखिए, लोगों को ये पार्किंग है। अगर आप डाकोर आते हो और अपनी महंगी गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पार्क करते हो, मगर यहाँ अभी पार्किंग की कोई पार्क तो सही, यहाँ आ भी नहीं सकते आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो। हम अभी ट्रैक्टर में सवार है क्योंकि हमारी गाड़ी भी यहाँ नहीं आ सकती और चल के भी नहीं आ सकती। ये देखिए, ये लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं,
ये व्यापारी लोग ने अपनी दुकानें बंद रखी हुई है क्योंकि यहाँ पानी ही इतना है, कोई आएगा ही नहीं। मगर ये अभी यहाँ इसलिए खड़े हैं कि शायद पानी और बढ़े और हमारे जो दुकान में पानी अभी नहीं घुसा वो भी घुस सकता है, क्योंकि यहाँ पानी का कोई निकाल नहीं है, यहाँ प्रशासन है, प्रशासन ने कोई कामगिरी नहीं की, इसलिए ये सब दृश्य आप देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, पानी ने पूरे डाकोर को घेर लिया है, पूरे डाकोर में पानी है। एक एरिया है डाकोर का, ये जो गायत्री मंदिर रोड है, गायत्री मंदिर रोड पे जो पानी यहाँ है, वह पानी आपको बहुत कुछ कह जाएगा, क्योंकि जो परिस्थिति है वो परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं थे। अचानक बारिश गिरी और बारिश गिरने के बाद यहाँ जो परिस्थिति हुई, ये भी देख सकते हो आप, लोगों के मकान में पानी घुसे हैं, महंगे महंगे फर्नीचर पानी में है, और ये प्रशासन है कि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा भाई? यहाँ तो लाखों रुपए सरकार ने दिए हुए हैं, ग्रांट देती है सरकार, मगर यहाँ तक नहीं पहुँचती। यानी जहाँ जहाँ पानी भरा है वहाँ सरकार के पैसे नहीं पहुँचे, ये बात एकदम नक्की है। कह सकते हैं कि जो नदी, यहाँ नदी नहीं बह रही, ये पानी है, बरसाती पानी है, बरसात के कारण ये सब दृश्य आपको दिखा रहे थे कैमरामैन राज भावसार। मगर यहाँ की परिस्थिति खूब बहुत ही जो लोग हैं यहाँ के, जो लोग भी यहाँ परेशान हो चुके हैं, मगर तंत्र है कि यहाँ उनको पूछने भी नहीं आया। कैमरा पर्सन राज भावसार के साथ जल्पेश पटेल, एबीपी न्यूज, डाकोर, गुजरात। और अब देखिए ये सूरत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात जो कि देश में बाकी राज्यों की तुलना में विकसित माना जाता है, लेकिन वहां भी तमाम शहरों का हाल आप देखिए। बारिश के बाद जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं और इस वजह से लोग दर बदर हो गए हैं। और कई जगहों पर तो ऐसा नहीं कि नदी आसपास बह रही हो और वहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से शहरों में पानी घुस गया, बल्कि बारिश का पानी वहां पर कुछ ऐसे रुक गया है शहर के अंदर कि हर तरफ दरिया जैसा मंजर है। सूरत मूसलाधार बारिश का कहर झेलता हुआ आपके सामने तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। तो जाहिर तौर पर जो वहां पर सिविक बॉडीज हैं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सवालों के घेरे में हैं कि वक्त रहते वहां पर जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है। हमारे सहयोगी धनराज बागले भी मौजूद हैं सूरत में, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो कुछ देर के बाद हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे धनराज की, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये सूरत शहर का हाल है आपके सामने, बारिश लगातार हो रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात कि रेड अलर्ट जारी किया गया है अभी भी गुजरात के कई जिलों को लेकर, यानी अभी बहुत भारी बारिश और होगी। तो अभी जब ये स्थिति बनी हुई है, बारिश और होने के बाद किस तरीके के हालात होंगे, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप देख पा रहे हैं कैसे यहां पर दुकानें बंद हैं, घर के अंदर लोग कैद हो गए हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। और खास तौर पर जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आप सोचिए उनके बारे में जरा, उनके घर में पानी प्रवेश कर चुका है और इस वजह से जो सामान होता है घर के अंदर रखा हुआ, कई महंगी चीजें तक उनकी खराब हो चुकी हैं, खाने पीने का सामान नहीं बचा, पीने का पानी मैसर नहीं है। अब प्रशासन अगर जल्द से जल्द अलर्ट होकर लोगों तक मदद पहुंचाएगा तो ठीक, वरना आप सोचिए किस तरह की दिक्कतें इन्हें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है, पानी ज्यादा वक्त तक रुक जाए तो उससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा भी होता है। भारी बारिश से बेहाल गुजरात पर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, केंद्र ने गुजरात को मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात की, राहत के लिए केंद्रीय बलों की एक टीम बनाई जाएगी। भारी बारिश से बेहाल गुजरात को लेकर एक अपडेट आपको दे दें कि गृह मंत्री वहां के मुख्यमंत्री के संपर्क में है और यह कहा गया है कि हर संभव मदद पहुंचाएंगे, राहत के लिए केंद्रीय बलों की एक टीम वहां पर जाएगी। और अब आपके सामने गुजरात में ही जामनगर की तस्वीर है,
आप देख रहे हैं ये शहर है जहां पर आप देख पा रहे होंगे नाव की मदद से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। जहां पर गाड़ियां चलती थी, कार दौड़ती थी, वहां पर आप देख रहे हैं नाव। गुजरात के जामनगर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, बोट की मदद से लोगों को घरों में, जो लोग कैद हो गए थे उन्हें निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि उनके लिए रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो सके। यहीं से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन दिनों से लगातार बारिश का मौसम है। आज तीसरे दिन सुबह जामनगर के सरदार पार्क विस्तार में ऊपरवास में भारी बारिश के कारण पूरा विस्तार है वो पानी पानी हो चुका है। इसमें आज यहाँ पर देखेंगे तो जामनगर का ये जो सरदार पार्क विस्तार में उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए थे उनके घरों में, उनको लाने के लिए जामनगर महानगर पालिका की बोट है वो पानी में गई थी और वो लोगों है जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव दृश्य है वो आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। ये जामनगर महानगर पालिका की फायर विभाग की टीम है, जो टीम है वो वहाँ पर बोट के साथ गई हुई थी और जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाल कर बाहर लाया जा रहा है, सुरक्षित तरीके से बाहर लाया जा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के पार्षद पार्थ कोटरिया है। पार्थ भाई, यहाँ पर क्या हुआ था और मोटर की जरूरत है? यहाँ हमारे उत्तर में जो पीछे नदी है उसमें ऊपर से इतनी बाढ़ आई है, यहाँ की जो आस पास की सोसाइटी किया है उसमें पानी चला गया है और जो छोटे छोटे मकान है जो एक मंजिल के है उसमें भी पानी घुस चुके हैं। लोगों को स्थानांतर करने के लिए हमने कॉरपोरेशन में बोट का इंतजाम किया। ये जैसे कि यहाँ के पार्षद वहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए बोट का सहारा है तो लिया गया है। रवि बुद्धे, एबीपी न्यूज़, जामनगर। तो कुछ लोगों तक मदद पहुंच पा रही है लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन के लोग जल्द से जल्द उन तक मदद का हाथ बढ़ाएं। बाढ़ और बारिश से कैसे गुजरात में लोग प्रभावित हुए हैं हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो यहाँ मणिनगर इलाके में अंडर पास तक में पानी भर चुका है। यहाँ पानी में एक व्यक्ति का शव मिला है। अभी मौत की वजह का हालांकि खुलासा नहीं हुआ लेकिन आशंका यह है कि तेज बारिश और जलभराव की वजह से इसकी जान चली गई। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन बारिश के चलते अहमदाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और बात है अहमदाबाद के मणिनगर इलाके की, जहां पर आए हुए दक्षिणी अंडरपास में बीती रात को एक व्यक्ति अंडरपास के अंदर डूब जाने से इसकी मौत होने की आशंकाएं बताई जा रही है। अगर ये बात सच है तो अहमदाबाद में बारिश के चलते पहली मौत मानी जाएगी। अभी इन फिलहाल अहमदाबाद के 8 जितने अंडरपास में से 3 अंडरपास को अहमदाबाद नगर निगम ने सोमवार से बंद कर दिया है और इसमें जलभराव की परिस्थिति के चलते ये जो अंडरपास है उसको बंद किया हुआ है। पुलिस की ओर से अभी तफ्तीश शुरू की गई है कि किस ये जो आदमी की डेड बॉडी मिली है वो कौन है, आखिरकार कैसे वो इस अंडरपास में पहुँचे और इनका अता पता क्या है। अंडरपास में रहे सीसीटीवी कैमरे की भी तफ्तीश है वो पुलिस की ओर से शुरू की गई है, जहां पर ये पता चलेगा कि आखिरकार अंडरपास जो बंद था वहां पर यात्री किस तरह से पहुंचा और आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई। कैमरामैन पीयूष लेवा के साथ कुशांग सोनी, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। गुजरात के ही वडोदरा में कुछ ऐसा ही हाल दिखा। वडोदरा के फतेहपुरा में जलभराव के बाद लोगों के सामने दिक्कतों का पहाड़ ही खड़ा हो गया। वडोदरा में बारिश के बाद विस्मृत नदी उफान पर बह रही है। नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया है, नदी का पानी अब शहर में घुस चुका है। ये वडोदरा का हाल आपके सामने है। विस्मृत नदी और उसमें ओवरफ्लो होने की वजह से रिहायशी इलाकों की तरफ अब पानी का रुख हो चला है। आप देख रहे हैं सड़कों पर क्या हाल है, घुटने भर पानी से लोगों को निकलना पड़ रहा है। हमारे एक और सहयोगी की रिपोर्ट यहीं से आपको दिखाते हैं। बड़ौदा शहर में कल एक ही दिन में 12 इंच बारिश गिरने की वजह से आप स्थिति देख रहे हैं कि पूरा शहर है यहाँ पर जल भराव हो चुका है। अभी हम बड़ौदा के फतेहगंज इलाके में हैं। कल 12 इंच बारिश तो हुई मगर
जो उपरवास के जो पानी है, देव डैम का पानी बड़ौदा के प्रताप नगर सरोवर में आता है, वहाँ से आजवा सरोवर में आता है और उसके बाद वहाँ से पानी सीधा विश्वामित्री नदी में आता है। विश्वामित्री नदी का जो जल स्तर है उसकी भयजनक सपाटी है 26 फीट है, मगर अभी 33.50 फीट में वो बह रही है और उसके चलते आप देख सकते हो कि जो नदी का पानी है पूरे शहर में यहाँ पर बाहर आ चुका है। बात के तो फतेहगंज, सयाजीगंज, कारेलीबाग सहित कई इलाकों में पानी बाहर आ चुका है। साथ में जितने भी ब्रिजिस है जो विश्वामित्री नदी के ऊपर से बहते हैं निकलते हैं उसके ऊपर भी पानी बह रहा है। देख सकते हैं जो भी अपने जो व्यवसाय के लिए या धंधे के लिए बाहर निकले हैं सब लोग यहाँ पर आगे नहीं जा सकते, यही कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। सामने देख सकते हैं कई जो है फोर व्हीलर टू व्हीलर वो भी डूब चुके हैं, वो आगे नहीं जा सकते। कुल मिला के बात करें तो बड़ौदा के अंदर जो कल 12 इंच बारिश आई थी, साथ में जो विश्वामित्री का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी भयजनक सपाटी 26 फीट से काफ़ी ऊपर 33.50 फुट पे जो विश्वामित्री बह रही है, कई निचले इलाकों में लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, तो कई जो राजमार्ग है उस पर पानी भर जाने की वजह से आज बड़ौदा वाले जो रहने वाले हैं उनके लिए बहुत चिंतित दिन है। लोग काम नहीं है तो बाहर ना निकले, उस प्रकार की स्थिति। सभी स्कूल के अंदर छुट्टी भी दी गई है और लगातार आज का ये दिन है बड़ौदा के लिए भारी रहने वाला है। कैमरामैन परेश धोड़किया के साथ लॉरेंस परमार, एबीपी न्यूज वड़ोदरा। तो वड़ोदरा में किस तरीके के हालात बने हुए हैं अभी भी तस्वीरें आप देख रहे थे, कुछ और भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे, एरियल विजुअल्स हैं जो आसमान से ली गई तस्वीरें हैं, इसमें आप देखिए शहर का कितना बुरा हाल नजर आ रहा है, हर तरफ पानी ही पानी। ये देखिए ये जो पूरी बस्ती है चारों तरफ पानी का कब्जा हो चुका है, हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया, सड़क पर पानी, जो मैदान है आसपास खुला इलाका है ऐसा लग रहा है मानो कोई तालाब हो, जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर बोट्स नजर आ रही हैं और लोगों के घर भी पानी में डूब गए हैं। खास तौर पर जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो जाहिर तौर पर अब सवाल प्रशासन को लेकर है, सरकार को लेकर है, करोड़ों रुपए का बजट होता है इसके बावजूद जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल। और हाल के दिनों में आप देख रहे हैं देश भर में तमाम जो बड़े शहर हैं जो स्मार्ट सिटी कहलाते हैं वो पानी में ऐसे डूब जा रहे हैं जैसे लगता है कि मानो नदी के अंदर गांव बसा दिया गया हो, शहर बसा दिया गया हो। हर तरफ से एक ही तस्वीर सामने आती है, तो बड़ा सवाल यही कि करोड़ों रुपए का बजट जो रखा जाता है नगर निगम के लिए वो पैसे जाते कहां हैं, उसका इस्तेमाल कहां होता है, क्योंकि साल दर साल तारीख बदलती है, परिस्थितियां नहीं बदलती, स्थितियां नहीं बदलती, तस्वीर वही नजर आती है। ये वड़ोदरा का आप देख रहे हैं दृश्य जो ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके के हालात लोगों के इस शहर में लोगों के लिए बने हुए हैं, यहाँ के रहवासियों के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है उसका आप अंदाजा लगाएं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, खाने पीने का सामान हो सकता है खत्म हो गया हो, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए दवाई की दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में जल्द से जल्द जरूरत इस बात की है कि प्रशासन सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, लोगों की मदद की जाए। और ये गांधीनगर की तस्वीर अब आप देख सकते हैं, गांधीनगर की तस्वीर देखिए वहां पर किस तरीके के हालात हैं। डैम ओवरफ्लो होने के बाद जब वहां पर गेट खोले गए हैं तो आप देख रहे हैं पानी का तेज बहाव दिख रहा है। दरअसल जो डैम है उन पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब वहां पर पानी बहुत हो, तो ऐसे में उनके दरकने का, चटकने का, टूटने का खतरा होता है और इसी वजह से उसके कुछ गेट खोलने पड़ते हैं। लेकिन उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि आसपास के जो इलाके होते हैं निचले इलाके खासतौर पर उनके डूबने का खतरा मंडराने लगता है, तो तटबंध टूटने से भी कई तरह की दिक्कतें कई बार हो जाती हैं। और एक बार फिर से आपके सामने एक शहर की तस्वीर, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है आप देख पा रहे होंगे। ये वडोदरा की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं, प्राइमरी स्कूल जैसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन चीजों का क्या मतलब है, क्यों नहीं लॉन्ग रन में कोई ऐसी परियोजना तैयार की जाती है, दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जाती है ताकि इस तरीके के हालात ही ना बने
जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। और गांधीनगर में किस तरीके की स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। डैम ओवरफ्लो होने के बाद वहां पर पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश से हालात खराब हैं। गोमतीपुर में लगातार बारिश हो रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप घर में ही रहें। ये अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कुछ गाड़ियां भी खराब हो गई हैं, जहां तहां ये गाड़ियां फंसी हुई, ऑटो रिक्शा हो या वैन हो। गुजरात में सोमवार को हुई 7 से 7.5 इंच की बारिश के बाद लगातार दूसरे दिन गुजरात के अहमदाबाद में बारिश का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में, जहां से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकल रही है। यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने लायक है और प्रशासन की नींद उड़ाने वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों का जलभराव है वो यहाँ से उतरा नहीं के दूसरे दिन लगातार बारिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर जनजीवन काफ़ी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन छुट्टियों के कारण आज के दिन प्रशासन की ओर से ये अपील की गई थी कि लोग अपने घर में रहे, सतर्क रहे और काम अगर न हो तो इसके अलावा लोग बाहर न निकले। और इसी के चलते अहमदाबाद में सुबह से ही बारिश की जो और जलभराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर पानी और जलभराव के चलते लोगों के जो जीवन है उसके ऊपर भी सीधी असर देखने को मिल रही है। और साथ ही में जो प्रशासन है वो अभी भी ये सोचने में लगा हुआ है कि ये पानी है उसको निकाला कैसे जाए। कैमरामैन पीयूष लेवा के साथ कुशांग सोनी, एबीपी न्यूज़ अहमदाबाद। और गुजरात के अरवली की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। आसमान से जमकर आफत बरसी और उसके बाद किस तरीके का दृश्य है। अरवली में भी मूसलाधार बारिश का कहर लोगों को झेलना पड़ा है। और अब आपको दिखा रहे हैं सरसपुर इलाके की तस्वीर। यहां भी हालात बहुत खराब है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सरसपुर में हमारे सहयोगी कुशांग सोनी मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में दूसरे दिन भी लगातार जो स्थिति है वो काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में, जहां पर सोमवार को हुई बारिश के चलते पानी नहीं उतरे थे और मंगलवार को सुबह से बारिश के कारण अलग अलग स्थलों पर जलभराव की परिस्थिति देखने को मिल रही है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में लगातार 9 से 9.5 इंच बारिश है वो देखने को मिल रही है और अलग अलग स्थिति अलग अलग लोगों पे देखने को मिल रही है, जहां पर जलभराव के चलते पेड़ गिरने के चलते और ट्रैफिक के चलते जो लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई जगह पर लोगों के जो व्हीकल है वो भी बंद होने को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में 2 जिलों को छोड़ के बाकी सभी जिलों में रेड अलर्ट जाहिर किया है और अहमदाबाद प्रशासन की भी ओर से, कलेक्टरेट की ओर से भी लोगों को बाहर न निकलने की सूचनाएं दी गई है। लोग ज़रूरी काम हो, इमरजेंसी हो तभी बाहर निकले और इसके अलावा बाहर न निकलने की सूचना के चलते इसकी सीधी असर जो है वो जनजीवन पर भी देखने को मिल रही है। इस तरह का रिहायशी इलाका हम आपको दिखाने को जा रहे हैं, जहाँ पर जो गाड़ी है वो यहाँ से आ रही है और उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति यहाँ पर देखने पे पता लग सकता है कि किस तरह की स्थिति पूरे अहमदाबाद में हो चुकी है। एक तरह से कहे तो बारिश के चलते जो जनजीवन है वो यहाँ पर रुका हुआ देखने को मिल रहा है और पूरे दिन अगर आज भी बारिश रही तो अहमदाबाद की स्थिति ज़्यादा बिगड़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सुबह से लोग अपने जो टू व्हीलर है उसको धक्के देते हुए नज़र आ रहे हैं और ऊपर से बारिश के चलते भी अहमदाबाद में अलग अलग स्थिति है, अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर जलभराव नज़र आ रहा है। कैमरामैन पीयूष लेवा के साथ कुशांग सोनी, एबीपी न्यूज़ अहमदाबाद। गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सूरत वडोदरा हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना है। आपको बता दें कि अंकलेश्वर से भरूच के बीच
20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो भारी बारिश की वजह से गुजरात के विभिन्न इलाकों में किस तरह की स्थिति है वो तो लगातार खबर आप देख ही रहे एबीपी न्यूज पर, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये भी कि अब सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक रिपोर्ट। गुजरात में भारी बारिश ने जन और जीवन दोनों जाम कर दिया है। ये जो तस्वीर है ये अंकलेश्वर से भरूच के बीच में है। हम सूरत से वडोदरा की ओर चल रहे हैं और ये जो हमको जाम दिखाई पड़ रहा है करीब 20 किलोमीटर हो गए। ये फ्रेम ऐसे ही फ्रीज है, यानी ये जाम का फ्रेम 20 किलोमीटर से हम देखते आ रहे हैं, यूं ही दिख रहा है। कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, गाड़ियों में कोई भी गति नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कितना लंबा जाम देखे हुए अरसा हुआ कि कभी ऐसा जाम देखा था। पूरा का ये जो हाईवे है ये वडोदरा से सूरत की ओर जाने वाला भरूच और अंकलेश्वर होते हुए ये पूरा जाम पड़ा हुआ है और इसकी वजह है गुजरात में भीषण बारिश हो रही है। ख़ास तौर पर वडोदरा जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा बरसा है कि वडोदरा शहर के अंदर विश्वामित्री नदी का पानी घुस गया है। करीब पानी का जो लेवल है वो इस खतरे का, विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आजवा डैम में 214 फीट का जो लेवल है वो पार कर दिया है और उसके बाद पानी आ गया है शहर के भीतर। वडोदरा शहर के भीतर के एक के बाद एक कई सारे इलाके हैं जो कि पानी की चपेट में हैं और आप देखिए ये जो लगातार हम जाम देख रहे हैं, इसमें ट्रकें बसों से लेकर के छोटी गाड़ियां ये सब फंसे हुए हैं और कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि आगे बारिश के चलते जो जो खड्डे हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है। और ये पूरा ये 20 किलोमीटर तो ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमको कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि कोई गाड़ी ज़रा सा भी मूवमेंट हो जाए, इतना ये भीषण जाम लगा हुआ है। एक बार और मैं यहाँ से कहूँगा अपने कैमरामैन राजेंद्र सिंह से सामने की ओर दिखाएं, देखिए दूर तक जहाँ तक कैमरे का फ्रेम से आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी वैसे ही एक जाम दिखाई पड़ेगा जो इस समय पूरी तरह से इस सड़क पर फ्रीज हो चुका है और ज़रा भी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। गुजरात में सूरत के आसपास नवसारी, वलसाड़, इधर वडोदरा, आणंद, खेड़ा, अहमदाबाद, ये तो आपने रिपोर्ट ये देखी गुजरात वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विश्वामित्री नदी जो है वो उफान पर है, शहर के अंदर पानी घुस गया है। विश्वामित्री नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और चूंकि अब शहर के अंदर नदी का पानी घुस रहा है इसलिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। पूरा जनजीवन ठप हो चुका है, लोगों के सामने तमाम तरह की समस्याएं, आप देख ही रहते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से किस तरीके की स्थिति है। 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और विश्वामित्री नदी ओवरफ्लो होने के बाद अब पानी शहर में घुस चुका है, तो कुल मिलाकर बाढ़ जैसे हालात। तो गुजरात का बुरा हाल है बाढ़ और बारिश की वजह से। हम आपको लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अब सुरेंद्रनगर का क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। हाईवे पर जल भराव, ये देखिए सुरेंद्रनगर की स्थिति आपके सामने। यहां पर आप देख रहे हैं शहर के अंदर पानी घुस गया है, बारिश हुई है जबरदस्त और जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना हो पाने की वजह से पानी ठहर सा गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़क का हाल आपने देखा, गलियां हो, बाजार हो, लोगों की दुकानें हो, घर हो, हर तरफ पानी ही पानी। और बारिश अभी वहां रुकने वाली नहीं है क्योंकि कई जिलों में तो बाकायदा रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी पानी और ज्यादा बरसना है। और अभी से इस तरह की समस्या, भारी बारिश और हुई तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती करनी पड़ी है। यही नहीं, प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएं, यानी बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो पूरी लाइफ लोगों की जो है वो पूरी तरह से रुकी हुई नजर आ रही है।
आगे का एजेंडा में आज फिलहाल इतना ही। फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।